सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। सुगंध रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज मेकअप लुक करने वाली हूँ, ब्राइडल मेकअप लुक, वो भी बहुत कम बजट में और वाटरप्रूफ भी होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज किया है टूनर। उसके पहले आपको फेस वॉश करना है, अपना फेस क्लीन करना है, उसके बाद फिर आप टूनर यूज करें। तो ये मैं यहाँ पर टूनर यूज कर रही हूँ जो कि रोज़ वाटर है। इसको थोड़ा अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दे। उसके बाद से लगाएंगे सीरम। तो सीरम लगाएंगे, सीरम ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, जो कि हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। तो सीरम आपको लगाना बेस्ट है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो मैं अच्छे से सीरम लगा लूँगी और इसके बाद थोड़ा वेट करके, 1-2 मिनट का वेट करके हम लगाएंगे पॉन्स मॉइस्चराइज क्रीम, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और मेरी भी ड्राई स्किन है तो मैं भी पॉन्स ही क्रीम लगाती हूँ, डेली यूज हो या फिर मैं मेकअप करती हूँ। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आई, काफ़ी नहीं बहुत पसंद आई। तो आप लोगों को भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो क्रीम मैं अच्छे से लगा लूँगी अपने फेस नेक पर। क्रीम के बाद आपको प्राइमर लगाना। मैंने प्राइमर लगाया था बट वीडियो बंद था, मैंने देखा नहीं। तो आपको प्राइमर लगाना है, उसके बाद फिर आप कंसीलर का कंसीलर स्टिक है जो कि वाटरप्रूफ है और का बहुत अच्छी है और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है और वाटरप्रूफ भी होता है मेकअप, तो मुझे तो बेस्ट है। और ये सर्दियों में ना थोड़ी स्किन मेरी ड्राई है और थोड़ा थिक हो गया था, हार्ड। तो मैंने क्या किया कि चम्मच से इसको थोड़ा लेके और इसमें ना सीरम मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लिया हैंड पर ही लेके, और फिर मैंने इससे लगाया, इससे कि हमारा जो फेस पर अच्छे से ब्लेंड हो गया। वरना मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मैंने उसको हाथ पे लगा के देखा तो अच्छे से लग नहीं रहा था। तो मैंने सीरम और कंसीलर को मिक्स करके अच्छे से और फिर अपने फेस पर लगा लूँगी, देख सकते हैं आप। उससे पहले जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं या डार्क सर्कल होते हैं, मुझे भी डार्क सर्कल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्राइलॉन का कंसीलर यूज किया है। उसका शेड है 303 ऑरेंज शेड है और ये कंसीलर ना बेस्ट है। जितने भी आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट हो या डार्क सर्कल्स हो तो आप वहाँ पर लगा लें इसको अच्छे से। इससे ना आपका सारा जो डार्क स्पॉट वगैरह होते कवर हो जाते। तो मैं इसको लगा लूँगी पहले और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी ओलिविया का कंसीलर स्टिक। फिर इसके बाद मैं लगाऊँगी ओलिविया का कंसीलर स्टिक। पहले आपको कंसीलर लगाना है, उसके बाद फिर आपको ओलिविया कंसीलर स्टिक लगाना है। तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जितना ज़्यादा आप ब्लेंड करेंगे उतना ज़्यादा मेकअप नेचुरल दिखता है। आप चाहें तो ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या हैंड से भी कर सकते हैं, जिससे आपको इजी हो। तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसके बाद मैं फिर से ओलिविया का कंसीलर लूँगी, जहाँ पे मेरे गड्ढे टाइप के होते हैं आँखों के नीचे हो या जहाँ हमारी स्किन धसी हुई होती है, तो मैं वहाँ पे हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से, जिससे कि हमारा जो धसा हुआ एरिया होता है वो अच्छे से दिखे उभर के, वरना वहाँ पे गड्ढे टाइप के दिखाई देते हैं। तो मैं इसको दोबारा से हाईलाइट अच्छे से कर लूँगी और इसको भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं इसको कम्पैक्ट पाउडर से सेट कर लूँगी। ये हुडा ब्यूटी का कम्पैक्ट है और इससे मैं अपने फेस जो मैंने कंसीलर वगैरह लगाया है तो इससे अच्छे से सेट कर लूँगी मैं पूरे फेस नेक पर, अच्छे से लगा लूँगी। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते, तो मैं अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं अपनी आईब्रो सेट करूँगी और उसके लिए मैंने मेबलिन की पेंसिल ली हुई है जो कि वाटरप्रूफ है, का बहुत ज़्यादा अच्छी है वाटरप्रूफ। तो इससे मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी, मैं दोनों आईब्रो को फिल कर लूँगी, जो आईब्रो का शेप है अच्छे से शेप दूँगी आईब्रो का और अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं आईब्रो ब्रश से आईब्रो को अच्छे से सेट करूँगी, दोनों आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूँगी, इसका सेब अच्छे से दूँगी।
जैसे कि हमारी आईब्रो का शेप अच्छा दिखे। इसके बाद मैं आईब्रो को हाईलाइट करूंगी ऊपर नीचे अच्छे से। कंसीलर दोबारा से लेंगे हम और ब्रश की हेल्प से ऊपर नीचे चारों साइड अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारे आईब्रो का जो शेप है अच्छा दिखे। तो मैं देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों चारों साइड अच्छे से लगा लूँगी। कंसील लगाने के बाद फिर इससे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्रश से, फिंगर या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। इसके बाद फिर से मैंने ओलिविया का कंसीलर लिया है और मैं अपनी आई लिड पर अच्छे से लगा लूँगी, जिससे कि हमारा जो आई मेकअप है उभर के दिखता है, एकदम खिला हुआ लगता है, अच्छा लगता है देखने में। जो भी हम शेड लगाते हैं तो वो अच्छे से दिखाई देता। तो मैंने कंसीलर लगा लिया और इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। और आप लूज पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर से इसको फिर सेट कर लें। पर मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था और फिर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने पूरा आई मेकअप कर लिया उसके बाद ध्यान दिया कि लो वीडियो तो ऑन ही नहीं है। इतनी मैंने मेहनत की सब और आई मेकअप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई। सच में बहुत बुरा लगता क्योंकि मेकअप करने में इतना टाइम लगता और फिर भी तो बहुत बुरा लगा, सच में बहुत बुरा लगा। बट कर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैंने यहाँ पे मेवलिन का आईलाइनर लगा लिया जो कि वाटर प्रूफ है, सच में वाटर प्रूफ है। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा, ये भी मेवलिन का है, ये भी वाटर प्रूफ है, तो मैं इसको भी लगा लूँगी। उसके जो मैंने आईलाइनर और मस्कारा बताया है वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वाटर प्रूफ भी है। और आप लोग देखते हैं मैं वीडियो में यही यूज करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, तो आप भी इसे ले सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी मेवलिन का काजल। एक काजल मतलब महंगा है बट मुझे पसंद नहीं आया, पता नहीं मेरे आईज पर ना मैटी मतलब लगता ही नहीं है। तो मुझे ना ADS की पेंसिल है ना वो इससे बेस्ट लगी, वो भी 5 रुपीज की। तो मैं काजल लगा लूँगी। इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश, पिंक कलर का ब्लश लगाऊंगी मैं। ये ब्लश भी हुडा ब्यूटी का है जो कि मैंने नोकल ही मार्केट से ख़रीदा था। पूरे जितने भी मेरे प्रोडक्ट हैं सारे नोकल ही मार्केट के हैं। तो मैं ब्लश लगा लूँगी। और लाइट की ना बहुत प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आता क्या करूँ, कभी हाँ ज़्यादा कभी कम। और इसके बाद मैं लगाऊँगी हाईलाइट करूँगी नोज पर, चिन चिक हेड पर हाईलाइट कर लूँगी। हाईलाइट एक बेस्ट होता है, हमारे चेहरे को ग्लॉसी बनाता है। और ब्राइडल मेकअप लुक में हाईलाइट कंजूसी तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब हाईलाइट अच्छे से करना चाहिए। हाईलाइट से हमारा जो फेस है ना ग्लॉसी अच्छा लगता है। और हाईलाइट ना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पूरे फेस पर अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी जहाँ पे हाईलाइट करनी चाहिए। इसके बाद मैं लगाऊंगी लिप बाम, अपने होंठों को मॉइस्चराइज कर लूंगी लिप बाम। फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लैक्मे की लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक का शेड जो है रेड है तो मैं लिपस्टिक लगा लूंगी। और मैंने आई मेकअप किया था, सच में वीडियो बना बंद था, मैं सोच रही चालू है तो बन ही नहीं पाया। मैंने आई मेकअप के लिए रेड और मेहरून दो कलर को मिक्स करके लगाया था। और आउट कॉर्नर पर मैंने हल्का सा ब्लैक कलर का टच दिया था और बीच में हल्का सा गोल्डन फिंगर से लगाया था। तो सॉरी इसके लिए, सच में मुझे पता भी नहीं चला कि वीडियो बंद है, तो मैंने लिपस्टिक लगा ली। बस अब दिखाती हूँ मैं अपना फाइनल लुक, तो बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो बिंदी गर्ल लगा लूँगी और ये है मेरा आई मेकअप। तो फाइनल कैसा लुक तो लगा बताना आप लोगों को कैसा लगा, बताना कमेंट करके कि कैसा लगा। आप चाहें तो आप भी ऐसा ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे।